मैं कई ऐसे लोगों को मिलती हूँ या मेरे कांटेक्ट में ऐसे कई लोग हैं, हमारी फैमिली में है, हमारे रिलेशंस में है, जो पाठ पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पाठ ख़त्म होता है, जैसे ही उनका भगवान का नाम लेने का वक्त ख़त्म होता है, उसी वक्त द मोमेंट दे स्टॉप, द नेक्स्ट वेरी मोमेंट दे इंडल्ज इनटू गॉसिपिंग, दे इंडल्ज इनटू चिट चैटिंग, चुगलियों में, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी ये, उसकी वो, उसकी बहन ने ऐसे किया, उसके भाई ने ऐसे किया, उसकी बहू ने ऐसे किया, एंड दे इंडल्ज इनटू दैट। और सिर्फ यही नहीं, पाठ पूजा में भगवान को याद करते वक्त क्या पढ़ते हैं, गुरबानी में क्या आता है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। तो ये जो जानवर हैं, क्या ये कुदरत के बंदों में नहीं आते? ये जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, क्या ये उन रूहों में नहीं आते? तो आप किन हक से इनको बाहर निकालते हो, इनको मारते हो, पीटते हो, इनको इग्नोर करते हो? भगवान से प्रेम करना एक्चुअल में प्रेम तभी माना जाएगा जब आप भगवान के बनाए हुए जीवों से प्रेम करेंगे। इंसानों से सिर्फ प्रेम करना प्रेम नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति का करैक्टर एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, देन आप उसको देखें कि वो एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करता है। जिनके साथ हमें स्वार्थ होता है, उनका तो हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनको प्रेम देंगे, उनका केयर करेंगे, लेकिन अगर आप बिना स्वार्थ के किसी के साथ प्रेम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, दैट इज़ द एक्चुअल ह्यूमन वैल्यू दैट यू हैव, दैट एक्चुअली शोज़ कि आप में ह्यूमैनिटी कितनी है। सो आजकल गर्मियाँ हैं, अपनी छत पर पंछियों के लिए पानी रखें, उसको दो टाइम रीफिल करें, सुबह भी और शाम को भी। गली में डॉगीज हैं, कैट्स हैं, उनके लिए भी दूध रोटी पानी डालें, दो तीन टाइम डालें, जितना आप डाल सकते हैं, और रेगुलरली डालें, इसको ब्रेक मत करें, नहीं तो कम से कम पानी रख दें। इतनी गर्मी होती है गली में, उनको बेचारों को बैठने के लिए जगह नहीं होती। अगर परमात्मा की इतनी कृपा है आप पर कि आपको इतना सुंदर घर दिया है, छत दी है, तो आप थोड़ा सा गेट खोल दें, वो अंदर आकर दो तीन घंटे दोपहर का टाइम बिता लेंगे, तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा? वो आपको दुआएं ही देंगे, क्या कर देंगे, क्या ले जाएंगे आपके घर से? कोई वो आपके घर को गंदा नहीं करने वाले। इन केस इफ दे डू ऑल्सो, तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारे घर के जो बच्चे हैं, क्या वो गंदा नहीं करते घर को? उनको तो हम बड़ा दुलारते हैं, तो वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो अगर वो भी थोड़ा बहुत कर जाएंगे तो उसे हम साफ कर देंगे, उसमें हमारा क्या जाता है? इस पर विचार जरूर करिएगा, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, हाउ मच यू एग्री एंड हाउ मच यू डिसएग्री। Thank you so much. Bye-bye. Have a good day.